हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो ब्रादर का प्रिंटर है, ये ब्रादर का प्रिंटर का देख मॉडल नंबर देखिए DCP-T220। इस मॉडल में हम कैसे आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं बिना पेज को घुमाएं, मतलब एक प्रिंटर में डुप्लेक्स फंक्शन नहीं है, पर भी यहाँ पे हम बोथ साइड आईडी कार्ड एक ही पेज में प्रिंट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले तो प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट आ गया है, प्रिंटर का ग्रीन कलर का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। जब स्टेबल हो जाएगा तो प्रिंटर वर्किंग फंक्शन में चला आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक आईडी कार्ड बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्लिंक होना बंद हो गया है। अब हम इसको आईडी कार्ड को स्कैन करके एक कॉपी निकलते हैं। यहाँ पे आईडी कार्ड का एक जगह दिया हुआ है, पर हम यहाँ पे एकदम सेंटर में जेरोक्स करेंगे, इसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे। तो अब देखिए हम प्रिंटर का जो कार्ड का जो फंक्शन है, कॉपी कार्ड शॉर्टकट का जो फंक्शन है, वो हम चेंज कर दिया है। वो पिछले वीडियो में हम देखेंगे, सामने आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जो कैसे ये सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे कॉपी शॉर्टकट में हम क्लिक करेंगे। देखिए कॉपी शॉर्टकट में हम एक बार क्लिक किया हूँ, स्कैन हो गया है। अब हम दूसरे साइड को स्कैन करेंगे। यहाँ पे देखिए लाइट ब्लिंक होना चालू हो गया है। तब हम दूसरे साइड को, ये देखिए कार्ड का जो ये फ्रंट साइड हुआ है और कार्ड का अब बैक साइड हम दे रहे हैं। देखिए ये फ्रंट साइड है, एक ही जगह पे हम देंगे, दूसरा जगह नहीं, जहाँ पे दिया है पहली बार वहाँ पे ही पीछा भाग सेम उसी जगह पर दे देंगे। तो यहाँ पे हम फिर से कॉपी शॉर्टकट में हम क्लिक करेंगे, कॉपी शॉर्टकट में क्लिक करेंगे, मोनो पे नहीं क्लिक करेंगे हम, कॉपी शॉर्टकट में क्लिक करेंगे। अब देखिए कॉपी शॉर्टकट में जब क्लिक करेंगे तो जो आईडी कार्ड है वो एकदम ऊपर नीचे एकदम सेंटर में आके बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कितने टाइम पे जो एक प्रिंट आउट जेरोक्स कॉपी निकल रहा है, बहुत ही फास्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए एकदम से सेंटर में आ गया है, कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड एकदम मिडिल में ऊपर नीचे आ गया है। इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं, दोनों कार्ड का जो फ्रंट साइड और बैक साइड वो आप दोनों को एकदम से बिसाइड में रख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने अप डाउन में किया हुआ है, सेटिंग हम चेंज कर दिया है इस प्रिंटर में जाके। वो जो सेटिंग है वो हम सामने आने वाले वीडियो में देखेंगे कैसे प्रिंटर का जो आईडी कार्ड का जो फंक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे जो आईडी कार्ड का सेक्शन है वो आ गया है, फ्रंट साइड और बैक साइड। अब हम देखेंगे जो कैसे आप गलत कर सकते हैं इस आईडी कार्ड को प्रिंट करने में। यहाँ पे जो आईडी कार्ड है, इस आईडी कार्ड को आप जब मोनो में दबाएंगे तो इसका जो फंक्शन है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसी पेज को हम मैनुअल फिट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस जो प्रिंटर है वो पेपर ट्रे आता है और पेपर ट्रे से पेपर निकलता है, पर यहाँ पे हम मैनुअल फिट भी कर सकते हैं, एक पेज हम पीछे दे सकते हैं। अब देखिए फिर से हम इस आईडी कार्ड का जो सेक्शन है यहाँ पे हम दे रहे हैं, आईडी कार्ड जो कार्ड का जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे स्कैनर में, वहाँ पे हम दे रहे हैं। अब इसको स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करने में पहले तो हम कॉपी शॉर्टकट में दबाएंगे और स्कैन होना चालू हो जाएगा। अब देखिए पहले तो स्कैन हो गया, अब दूसरा भाग हम स्कैन करेंगे तो उसको घुमाएंगे और फिर से उसी जगह पर हम रख देंगे, उसी जगह पे हम स्कैन। अब यहाँ पे हम कॉपी शॉर्टकट दबाए थे, आप शॉर्टकट नहीं दबाएंगे, हम इस बार मोनो दबाएंगे। मोनो मतलब ब्लैक एंड वाइट हमको जेरोक्स कॉपी निकालना है। तो यहाँ पे से मैनुअल फीड में ट्रे जो है, पेपर में ट्रे है मैनुअल फीड का, वहाँ पे से पेपर अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जब मैनुअल फीड करेंगे थोड़ा सा आपका जो पेज प्रिंट आउट है थोड़ा सा स्लो का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है, पर आ तो गया है, पर यहाँ पे देखिए आपका कार्ड का पोजीशन कहाँ पे ले आया है। जब मैं मोनो में क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखिए जो कार्ड का जो पोजीशन है वो एकदम साइड से आ चुका है,
पर यहाँ पे देखिए हम दो बार कॉपी शॉर्टकट में हम दबाए थे तो यहाँ पे एकदम सेंटर में आए थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का अच्छा लगा होगा।